दिनों का हमारा कोर्स होता है जिसमें 6 से 8 घंटे पर डे आपको देना होते हैं, जिसमें 6 घंटे मैंडेटरी होते हैं जिसमें आपको वो देना ही होंगे, बाकी के 2 घंटे ऑप्शनल होते हैं जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए समय देंगे उतना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सेकंड, एक बैच के अंदर हम लोग जो है वो 10 ही स्टूडेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ में हम लोग नहीं सिखाते हैं। तो चूँकि 10 स्टूडेंट रखते हैं तो 10 हार्डवेयर के सेटअप हमारे पास में रेडी होते हैं जिस पर हर व्यक्ति बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। हर सीट पर हमने माइक्रोस्कोप, गुड क्वालिटी की ब्लोअर मशीन, आयरन और अनदर बहुत सारी मशीनरी टूल्स रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो सॉफ्टवेयर लैब है उसके अंदर भी इंडिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में भी आप अगर विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक ही पीसी के ऊपर वो सॉफ्टवेयर करना दिखाते हैं, केवल दिखाते हैं, व्यक्ति सीख नहीं सकता खुद से करके। हमारे यहाँ पे केवल ये सिस्टम अवेलेबल है कि चूँकि हम 10 स्टूडेंट एक बैच के अंदर रखते हैं तो 10 PC हमारे पास में रेडी होते हैं। दूसरा, मोबाइल फ़ोन को स्टडी करने के लिए, मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है उसको फाइंडिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है बॉर्नियो। वो बॉर्नियो सॉफ्टवेयर बाकी मार्केट के अंदर सबको स्टूडेंट को खुद परचेस करना होता है, पर हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा होता है कि हम हर स्टूडेंट को एक एक बॉर्नियो का सेटअप जो है वो साथ में देते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन या हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखने से पहले मार्केट और हमारे यहाँ के काम के अंतर को समझना जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे मोबाइल फोन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो उससे संबंधित पार्ट को हम चेंज करके हमारे मोबाइल फोन को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन में यदि अगर ऑडियो की दिक्कत हो जाए तो मोबाइल फोन का रिसीवर, रिंगर या माइक चेंज करके हम मोबाइल फोन को ठीक कर सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट की दिक्कत हो जाए तो चार्जिंग सॉकेट चेंज कर सकते हैं। सिम सॉकेट, मेमोरी कार्ड सॉकेट, बटन्स या बटन का फ्लेक्स केबल, जिस भी चीज से संबंधित दिक्कत हो वो हम चेंज कर सकते हैं। ये सभी पार्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। कैमरा या सेंसर, मोबाइल फोन का डिस्प्ले टच होल्डर, बॉडी, बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर या कई प्रकार के फ्लेक्स केबल, जिस भी चीज से संबंधित दिक्कत हमारे मोबाइल फोन में है वो पार्ट को हम चेंज करके मोबाइल फोन को ठीक कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज ऐसी है जो मार्केट में नहीं मिलती है, वो है इस मोबाइल फोन का मदरबोर्ड। मान लीजिए मोबाइल फोन के हमने ये सभी प्रकार के पार्ट चेंज कर लिए लेकिन फिर भी मोबाइल फोन में सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। जैसे मेरे मोबाइल फोन में टच की दिक्कत है, मेरे मोबाइल फोन का टच काम नहीं कर रहा है, और मैंने मेरे मोबाइल फोन का डिस्प्ले टच फोल्डर जो आता है वो मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन फोल्डर चेंज करने के बाद भी मेरे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम एज इट इज है, मेरे मोबाइल फोन का टच नहीं चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये फोल्डर तो मैंने चेंज कर लिया है लेकिन इस फोल्डर को जो चलाता है वो इस मोबाइल फोन का मदरबोर्ड, उस मदरबोर्ड में दिक्कत है। या मेरे मोबाइल फोन में आवाज संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, रिसीवर, रिंगर, माइक में चेंज कर चुका हूं लेकिन चेंज करने के बाद भी मेरे मोबाइल फोन में आवाज की प्रॉब्लम बरकरार बनी हुई है, तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये पार्ट से प्रॉब्लम नहीं है, ये मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। मार्केट में ये पार्ट संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी चीज रिपेयर होती भी है और रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी मार्केट करवाता है, लेकिन मोबाइल फोन के मदरबोर्ड के अंदर यदि अगर दिक्कत हो जाए तो क्या करना है ये चीज मार्केट नहीं सिखाता है। एक मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड होता है वो मोबाइल फोन की 70% कीमत का होता है। मतलब एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए का है तो 7,000 रुपए का उसका मदरबोर्ड आएगा। इस कंडीशन में कस्टमर चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा टेक्नीशियन अवेलेबल हो मार्केट के अंदर जो 10-20-30% कॉस्ट मोबाइल फोन की ले ले और इसी मदरबोर्ड को ठीक कर दे। ऐसे में उसको मार्केट में टेक्नीशियन इस प्रकार के नहीं मिल पाते हैं जिस प्रकार के टेक्नीशियन हम तैयार करते हैं। तो हमने हमारे कोर्स को इसी तरीके से बनाया हुआ है कि जो मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है उन सभी चीज को हमारे यहाँ का व्यक्ति ट्रीट कर पाए, उस प्रॉब्लम को हमारे यहाँ का व्यक्ति सॉल्व कर पाए। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। हमने हमारे कोर्स को 8 भागों में बनाया हुआ है। सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट, हार्डवेयर ट्रेसिंग या फॉल्ट फाइंडिंग, स्पेशल हार्डवेयर, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लॉक्स अनलॉकिंग और मोबाइल मार्केट नॉलेज। सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट के अंदर करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, करंट वोल्टेज में अंतर क्या होता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, एसी डीसी में अंतर क्या होता है, करंट वोल्टेज या रेजिस्टिविटी को मीटर के ऊपर कैसे चेक करेंगे, हम मीटर को कैसे यूज करना है वो चीज भी हम इसके अंदर ही सिखाते हैं। दूसरा, हमारे मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड होता है,
इस मदरबोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, लगभग 20 प्रकार के कंपोनेंट्स मोबाइल फोन के अंदर होते हैं। ये 200 कंपोनेंट के नाम क्या है, काम क्या है, ये कंपोनेंट दिखते कैसे हैं, शक्ल के हिसाब से हम उनको कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में उन कंपोनेंट का सिंबल हम कैसे बनाते हैं, और यदि अगर ये 200 कंपोनेंट अगर ये कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो मीटर से हम उस कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे, ये चीज हम इतने बेसिक कंपोनेंट के अंदर सिखाते हैं। मोबाइल फोन के अंदर ए से लेकर जेड तक कितनी भी जितनी भी कंपोनेंट और जितनी भी चीजें लगी हुई है, हर एक प्रकार की चीज के बारे में नॉलेज और हर एक प्रकार की चीज को टेस्टिंग करना, इतना इस बेसिक कंपोनेंट के अंदर हमारे व्यक्ति सीख जाता है। सेकेंड मॉड्यूल हार्डवेयर, हमने थोड़ी देर पहले जैसे बात करी कि जितनी भी चीजों को चेंज करना होता है, मार्केट जिस काम को मोबाइल फोन रिपेयरिंग पूरा बोल के 3-4 महीने के अंदर करवाता है, वो हमारे यहाँ का सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल है। हर एक प्रकार के पार्ट को कैसे चेंज करना है, इसकी विद फुल प्रैक्टिस हम लोग लाइव जो है ये सारी चीज स्टूडेंट खुद उसके हाथ से कर सकता है, ये सारी चीज की प्रैक्टिस हम लोग उसको करवाते हैं। किसी भी प्रकार की चीज को कैसे चेंज करना है, ये पूरा काम इस हार्डवेयर के काम में हम सिखाते हैं। तीसरा, ट्रेसिंग। मोबाइल फोन के अंदर जितने भी पार्ट है उन सबको हमने चेंज करना सीख लिया है, चेंज करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो जो हमको मदरबोर्ड रिपेयर करना है उस मदरबोर्ड रिपेयर के काम को हम ट्रेसिंग के अंदर करवाते हैं। इसके 12-13 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जैसे ऑन ऑफ सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, सिम सेक्शन, मेमोरी कार्ड सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, बैकलाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन और कई प्रकार के अन्य सेक्शन हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे चार्जिंग सेक्शन, कस्टमर का मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो रहा है, ये कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम है, पर हमारे मोबाइल फोन टेक्नीशियन के लिए 3 प्रॉब्लम्स हैं। किसी भी मोबाइल फोन को यदि अगर हमने चार्जिंग लगाया, चार्जिंग लगाने पर चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, इस प्रॉब्लम को हम नो चार्जिंग बोलते हैं। किसी भी मोबाइल फोन को हमने चार्जिंग लगाया पर मोबाइल फोन चार्जिंग लगाने पर कोई एरर बोल रहा है, बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग पाउच या इससे संबंधित कोई भी एरर मोबाइल फोन में लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मोबाइल फोन में चार्जिंग एरर की दिक्कत है। तीसरी प्रॉब्लम होती है नो एम्पियर, मोबाइल फोन चार्जिंग लगाया, चार्जिंग दिखा रहा है, लेकिन परसेंटेज हम देख रहे हैं तो परसेंटेज मोबाइल फोन का नहीं बढ़ रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं नो एम्पियर। तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम चार्जिंग सेक्शन में सिखाते हैं। मैं ऐसा एग्जांपल एक सेक्शन के लिया हूं, पर सारे सेक्शन के अंदर हमको कैसे काम करना है, इस सारी चीज की लाइव प्रैक्टिस मदरबोर्ड के ऊपर मल्टीमीटर के द्वारा हमको कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर सिखाते हैं। अगली चीज, स्पेशल हार्डवेयर, हाथ से ही चेंज करने का कुछ ऐसा काम जो थोड़ा सा टिपिकल है, उस चीज को हम सिखाते हैं स्पेशल हार्डवेयर में। जैसे सबसे फर्स्ट कॉम्बो ग्लास रिप्लेसमेंट, हम कई बार मोबाइल फोन को देखते हैं, जैसे मेरे पास एक मोबाइल फोन अवेलेबल है जो चल रहा है, प्रॉपर है, लेकिन यदि अगर मैं यहां पर इसको देखूं तो इस मेरे मोबाइल फोन का ये ग्लास जो है वो फूट गया है। ऐसी कंडीशन में इस पूरे का यदि अगर मैं फोल्डर भी चेंज कर दूं तो मोबाइल फोन का काम हो जाएगा, पर यदि अगर हम चाहें तो इसी मोबाइल फोन को कस्टमर को बहुत सस्ते में काम करके दे सकते हैं। वो कैसे, इसका ओनली जो ग्लास है उसको रिप्लेसमेंट कैसे करना, उसकी हम फुल प्रैक्टिस यहां पर करवाते हैं। ग्लास मात्र 100 रुपए का आता है, मैं टेम्पर ग्लास नहीं, मेन ग्लास की बात कर रहा हूं, ग्लास मात्र 100 रुपए का आता है, उस ग्लास को चेंज करने के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग होना जरूरी है। वो सारी ट्रेनिंग हम लोग इसके अंदर करते हैं कि कैसे आप आपके मोबाइल फोन का ग्लास टूटा उसको आप चेंज करके पूरा न्यू फोल्डर कैसे बना सकते हैं, वो इसके अंदर हम सिखाते हैं। दूसरा, आईसी रिवॉल्विंग एंड रिप्लेसमेंट। हम कई बार देखते हैं हमारे मोबाइल फोन का मदरबोर्ड खराब नहीं होता है, ये आईसी हमारे मोबाइल फोन की खराब हो जाती है, ऐसा नहीं है। हम मोबाइल फोन की उसी आईसी को रिपेयर करके काम चला सकते हैं। हम यदि अगर देखें तो जो आईसी होती है उसके अंदर लगभग 200-300 पेयर होते हैं, उतने ही पेयर मदरबोर्ड पर भी होते हैं, तो हमको आईसी को निकालना होता है, उसके सारे पेयर वापस बनाने होते हैं और वापस इस आईसी को लगाना पड़ता है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है कि इस आईसी के 200 पूरे पेयर मदरबोर्ड के 200 पेयरों से बिल्कुल ठीक प्रकार से मिल जाएं। इस प्रकार की पूरी प्रैक्टिस हम लोग इस आईसी रिवॉल्विंग एंड रिप्लेसमेंट वाले काम के अंदर सिखाते हैं। तीसरा, फ्लेक्सिबल रिपेयर। हम कई बार देखते हैं हमारा मोबाइल फोन पानी में गिर जाता है या लोकल टेक्नीशियन खोल देते हैं और खोलने में कई बार क्या कर देते हैं, पत्ते फ्लेक्स केबल जो होते हैं वो तोड़ देते हैं। जैसे जनरली एक ये मोबाइल मेरे पास में आया, ये इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता है, फ्लेक्स केबल है, ये यहां से मैं देख रहा हूं तो ये टूट गया है। इस कंडीशन के अंदर इसका फ्लेक्स केबल जो है वो लगभग 300-400-500 रुपए का आ रहा है। यदि दूसरा फिंगरप्रिंट सेंसर भी यदि अगर मैं मार्केट से लाके डालूं तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यदि अगर मैं चाहूं कि इसी फ्लेक्स केबल को रिपेयर करना, तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके द्वारा हम इसी फ्लेक्स केबल को रिपेयर कर सकते हैं। ये आपको लाइनें दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरे 12 कनेक्शन, ऐसे दूसरे पत्ते में भी 12 कनेक्शन हैं।
तो इन 12 कनेक्शन को उन 12 कनेक्शन से जोड़ के हम इस पूरे पत्ते को ऑफिस वैसा का वैसा ही बना सकते हैं। चाहे तो 400-500 खर्च कर दे या चाहे तो इसी चीज को बना ले, ये हम इसके अंदर सिखाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पत्ता है, इवन यदि अगर आजकल हम बैटरी भी यदि अगर देखें तो वो भी फ्लेक्सिबल में ही आती है, तो फ्लेक्सिबल वाली बैटरी को हमको कैसे करना है, जैसे हम ये देखें, ये हमारे मोबाइल फोन का चार्जिंग का फ्लेक्सिबल है, ये मोबाइल फोन का डिस्प्ले का फ्लेक्सिबल है, ये बैटरी का फ्लेक्सिबल, जितनी भी चीजें मोबाइल फोन लगी सारी फ्लेक्सिबल से लगी है। उन फ्लेक्सिबल अगर क्रैक हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम हम लोग इसके अंदर सिखाते हैं। फिफ्थ मॉड्यूल कंप्यूटर एंड इंटरनेट, इसके अंदर कंप्यूटर इंटरनेट संबंधित सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप को फॉर्मेट कैसे करना है हमको, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। हम हमारे सिस्टम्स के अंदर एंटीवायरस नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो हमारे मोबाइल फोन के जो सॉफ्टवेयर की फाइल है उसको डिलीट कर देता है। तो कंप्यूटर इंटरनेट कंप्यूटर लैपटॉप को कई बार हमको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है, कैसे फॉर्मेटिंग करना है वो पूरा काम हम इसके अंदर सिखाते हैं। दूसरा, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, उन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, वो हमारे काम कैसे आएंगे, वो चीजें हम लोग इसके अंदर सिखाते हैं। तीसरा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है, हमको मोबाइल फोन रिपेयर का काम करना है या मोबाइल रिपेयर का काम करने के लिए हमको कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदना है, तो हम कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदें, उसका हार्ड डिस्क, रैम, रोम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर इस पर सिखाते हैं। दूसरा, मोबाइल फोन हमको जब सॉफ्टवेयर करना होता है तो कंप्यूटर से जोड़ना होता है, तो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए बीच में एक ड्राइवर की जरूरत होती है। मोबाइल फोन में दो अलग अलग प्रकार के ड्राइवर चलते हैं, एक ड्राइवर चलता है कंपनी डिपेंडेंट, दूसरा ड्राइवर चलता है आईसी डिपेंडेंट। तो आईसी डिपेंडेंट ड्राइवर क्या है, कंपनी डिपेंडेंट ड्राइवर क्या है, इसको कैसे रिपेयर करते हैं, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉरी, वो सब चीज हम इसके अंदर सिखाते हैं। सिक्स मॉड्यूल सॉफ्टवेयर, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, किसी भी मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इस सब चीज की लाइव पूरी मोबाइल फोन के सामने प्रैक्टिस, सारे मोबाइल फोन हमारे पास में अवेलेबल होते हैं सभी कंपनियां, तो कैसे हमको आइडेंटिफाई करना सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को वो इसके अंदर सिखाते हैं। मोबाइल फोन फ्लैशिंग, फ्लैश फाइल डाउनलोडिंग एंड वर्जन चेकिंग, किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन मेरे को सॉफ्टवेयर करना है तो सॉफ्टवेयर करने के लिए उसकी फाइल मेरे को किस वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करते समय मेरे को कौन सा वर्जन चेक करना है, किस कंपनी में कौन सा वर्जन चेक करना पड़ता है, वो सारी चीज हम इसके अंदर सिखाते हैं। हाउ टू रिपेयर सॉफ्टवेयर ऑफ एनी मोबाइल फोन एंड अपडेट, किसी भी मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डालना है, अपडेट कैसे करना है उसको, वो सारी चीजें इसके अंदर हम सिखाते हैं। चाइना से आईफोन तक के हर एक प्रकार के मोबाइल फोन को कैसे फ्लैश करना है, कैसे सॉफ्टवेयर रिपेयर करना है, वो हम इसके अंदर हम सिखाते हैं विद प्रैक्टिस सारी चीजें। फ्लैशिंग दो प्रकार की अलग अलग होती है, एक को हम बोलते हैं फ्री फ्लैशिंग, मतलब हमको सिर्फ कंप्यूटर की जरूरत है, एक डाटा केबल की जरूरत है और हम हर एक प्रकार के मोबाइल फोन को सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं फ्री फ्लैशिंग। तो फ्री फ्लैशिंग हमको कैसे करना है, किसी भी प्रकार की चीज को ना खरीदते हुए, या मोबाइल फोन के कई पेड सॉफ्टवेयर बॉक्सेस भी आते हैं, जैसे हम हमारे पास में कई प्रकार के अवेलेबल है, मिरेकल बॉक्स है, Z3X है, ATF है, BST, CM2, UMT, UFI, किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन को अगर सॉफ्टवेयर करना है तो उसके दो तरीके हैं, फ्री फ्लैशिंग विदाउट इन बॉक्सेस डोंगल्स के फ्लैशिंग, या विद बॉक्स डोंगल्स के साथ में फ्लैशिंग। दोनों प्रकार की फ्लैशिंग बॉक्स से क्यों करते हैं, फ्री फ्लैशिंग क्यों करते हैं, दोनों प्रकार में क्या अंतर है, कैसे फ्लैशिंग करना है, वो सारी चीज की विद प्रैक्टिस हम लोग सारी चीज करवाते हैं। सेवंथ मॉड्यूल लॉक्स, लॉक्स मोबाइल फोन इंडस्ट्री में तीन प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट सिक्योरिटी लॉक, किसी मोबाइल में पिन लॉक, पैटर्न लॉक, नंबर लॉक, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक लग गया है तो किसी भी प्रकार के ऐसे लॉक को तोड़ना कैसे है, ये हम इसके अंदर सिखाते हैं। दूसरा, मोबाइल फोन में अगर 2014 के बाद का मोबाइल फोन है और उसके अंदर किसी प्रकार का सिक्योरिटी लॉक लगा था, हमने तोड़ दिया, तो मोबाइल फोन जब रीस्टार्ट होकर चालू होता है तो पिछला ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांगता है। अगर वो ईमेल आईडी पासवर्ड हमको मालूम है तो उसको डाल के हम आगे बढ़ सकते हैं, यदि हमको नहीं मालूम है तो वो एक प्रकार का एक्टिवेशन लॉक हुआ। उस एक्टिवेशन लॉक को एंड्रॉइड फोन में हम FRP लॉक बोलते हैं, MI में MI क्लाउड बोलते हैं, ब्लैकबेरी मोबाइल फोन में एंटी थेफ्ट लॉक बोलते हैं, और आईफोन मोबाइल फोन में iCloud बोलते हैं। चारों प्रकार के एक्टिवेशन लॉक को कैसे तोड़ना वो हम इसके अंदर सिखाते हैं। iCloud एक्टिवेशन अभी मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, MP में हमारे पास में अवेलेबल है। थर्ड, बूट लोडर लॉक, इसके अंदर कई प्रकार की एक्स्ट्रा चीजें सिखाते हैं, जैसे बूट लोडर को अनलॉक कैसे करना, किन किन मोबाइल फोन में बूट लोडर लॉक होता है। दूसरा, रूट कैसे करते हैं मोबाइल फोन को, जेल ब्रेक कैसे करते हैं, वो सारे काम हम इसके अंदर सिखाते हैं। आठवां मॉड्यूल मोबाइल मार्केट नॉलेज,
पूरे 7 मॉड्यूल के अंदर हम मोबाइल फोन रिपेयर के अंदर पूरा परफेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ और नॉलेज ऐसा है जो आपको लेने की जरूरत है, जैसे मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन से पार्ट ऐसे जो मार्केट में मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, पार्ट का प्राइसेस क्या क्या होता है, पार्ट क्या क्या क्वालिटी के आते हैं, क्वालिटी चेक कैसे हमको करना है, कस्टमर को हमको प्राइस कितने बताने हैं, कस्टमर को डील कैसे करना है, कितना अंतर हमको पार्ट के बीच में रख के या फॉल्ट के बीच में हमको कितना अंतर रख के कस्टमर को मार्केट बताता है और कितना हमको बताना है, वो चीजें इसके अंदर हम सिखाते हैं। एक्स्ट्रा भी कई प्रकार का नॉलेज हम लोग देते हैं जो मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये नॉलेज सिर्फ तभी दिया जाता है जब स्टूडेंट कैपेबल हो इस नॉलेज को लेने के लिए। जैसे ये एक काम ऐसा है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डाटा बैकअप फ्रॉम लॉक मोबाइल। एक मोबाइल फोन लॉक हो गया है लेकिन उसके अंदर से कस्टमर चाह रहा है कि डाटा बच जाए, तो ऐसा काम हमारे पास में अवेलेबल है, हम लोग करते भी हैं और उसको सिखाते भी हैं। डाटा बैकअप फ्रॉम डेड मोबाइल, एक कस्टमर के मोबाइल फोन को दो भाग हो गए, टूट गया है, दीवार पे मार दिया है या एक महीने से पानी में पड़ा हुआ पूरा सड़ गया है, मोबाइल फोन रिपेयर ही नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से उसकी आईसी के अंदर से हम डाटा रिपेयर कर सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं। मोबाइल फोन की भी एक हार्ड डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं ईएमएमसी, उसको प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम भी हमारे पास में होता है।